गाइस, इट्स अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्रिएट कर रही हूँ दुर्गा पूजा मेकअप लुक, जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में इस टाइम पे। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आता है, प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है एक अच्छे मॉइस्चराइजर के साथ, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप। सेकेंड स्टेप के लिए मैं यूज करूंगी ब्लू हेवन का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, जिसको मैं अप्लाई करूंगी डैबिंग मोशंस में। नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर रही हूँ मैं फाउंडेशन, फेसेस का ग्लैमॉन फाउंडेशन, एंड देन मैं नाइका की ब्यूटी स्पंज के हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी अपने पूरे फेस पे। एंड यस, आपको नेक पोर्शन भी साथ में कवर करना है। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, एंड मैं हाईलाइट कर लूंगी अपने अंडर आईज को, अपने फोरहेड को, जो भी आपको एरियाज लगते हैं कि आपको हाईलाइट करने चाहिए, लाइक आपके चिन पोर्शन एंड जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन ज्यादा होती है। एंड सेम ब्यूटी स्पंज के हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूंगी, एंड मेक श्योर कि आप इसको एक मिनट के लिए अपने फेस पे रहने दें, उसके बाद आप इसको ब्लेंड करें। देन मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड मैं बफिंग ब्रश के हेल्प से, जो कि है रियल टेक्निक्स का, उसकी हेल्प से इसको बफ कर लूंगी अपने पूरे फेस पे। देन आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड की ब्राउ एनहांसर अपनी ब्राउज को फिल करने के लिए। मेक श्योर कि आप अपनी ब्राउज को नेचुरल तरीके से फिल करें, एंड देन स्पूली की हेल्प से आप अपनी ब्राउज को कॉम करें उसको एक नेचुरल फिनिश देने के लिए। देन आपको कोई भी पैलेट से एक लाइट ब्राउन शेड पिक करना है, या आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे ब्लेंड कर सकते हैं कलर्स के साथ। इसको मैं यूज कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड, एंड देन मैं यूज कर रही हूँ एक डार्क ब्राउन कलर। सो वेट एंड वाइल्ड के ब्रश की हेल्प से, जो कि ब्लेंडिंग ब्रश है, उसकी हेल्प से मैं इसको अपने आउटर वी पे अप्लाई करूंगी अपने आईज को डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए। एंड सेम कलर को मैं क्रीज पे भी अप्लाई करूंगी, एंड सेम कलर को आपको उसी ब्रश के साथ नीचे की तरफ भी ब्लेंड करना है, ताकि आपका जो शेड होता है वो बैलेंस्ड हो जाए। नेक्स्ट मैं इसी पैलेट से यूज कर रही हूँ एक ग्लिटर शेड, जो कि काफी ज्यादा रॉकिंग होगा इस फेस्टिव सीजन के लिए। सो बेसिकली मैं इसको अप्लाई करूंगी अपने हाफ पार्ट, जो कि मेरा लिट का हाफ पार्ट है, वहां पे मैं अपने फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करूंगी, बिकॉज फिंगर से क्या होता है एप्लीकेशन ज्यादा ईजी हो जाती है। देन सेम ब्रश जो मैंने इनिशियली लिया था, उससे मैं इन दोनों कलर्स को ब्लेंड कर लूंगी, ताकि कोई हार्श लाइन्स ना रहे। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ पैक की लैशेज, जो कि जिसका नंबर है 213, एंड मैं यूज कर रही हूँ ये ग्लू यहाँ पे, जो कि आपको किसी नॉर्मल कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी से मिल जाती है। देन मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे मस्कारा, जो कि है फ्रॉम गाला ऑफ लंडन, एंड देन मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पे आईलाइनर, जो कि है लैक्मे 925 लाइनर। आप थिक या थिन जैसा चाहे वैसा अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं ये ले रही हूँ यहाँ पे 3-in-1 पैलेट है, जो कि मेकअप रेवोल्यूशन की है। तो मैं थोड़ा सा ब्रॉन्ज कर रही हूँ अपने फेस को एक वार्म्थ प्रोवाइड करने के लिए। तो एज सच मैं कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा फेस ऑलरेडी काफी चिसल्ड है, तो मुझे एज सच कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं है। देन फ्रॉम द सेम पैलेट इटसेल्फ आई एम टेकिंग दिस पिंक कलर ब्लश शेड, एंड इसको मैं अप्लाई कर लूंगी अपनी चीक्स पे, एंड देन मैं हाईलाइट करूंगी। हाईलाइटर आई थिंक फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। आपको ऑब्वियसली बात है, आपको ग्लोई ग्लोई दिखना अच्छा लगेगा फेस्टिव सीजन में। तो आप अपने चीक्स को हाईलाइट कर सकते हैं, फोरहेड को, योर ब्रिज ऑफ द नोज, योर क्यूपिड्स बो एंड योर चिन, एंड देन लास्टली मैं एक एप्लीकेटर की हेल्प से अपने ब्रो बोन्स को भी हाईलाइट कर लूंगी। इसके बाद आपको नहीं भूलना है अपने जो इनर कॉर्नर्स होते हैं आईज के, उनको हाईलाइट करना, बिकॉज ये काफी ज्यादा आपकी आईज को पॉपअप लुक देते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ मैंडेटरी स्टेप इन योर मेकअप। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड अपने मेकअप को सेट करने के लिए, एंड देन इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। तो रेड कलर काफी अच्छा रोल प्ले करता है दुर्गा पूजा के टाइम पे, एंड दिस कम्प्लीट्स माई एंटायर लुक। गाइज, प्लीज लेट मी नो कि आपको आज का लुक कैसा लगा। सो आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो सून ऑन माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।